रतलाम के राम मंदिर चौराहे के सामने सड़क पर मुंह पर मास्क लगाए खड़े ये लोग हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक्टिव अपना नगर निगम ग्रुप के सदस्य। इन सभी के हाथों में भी मास्क है और ये सभी सड़क पर खड़े होकर सड़क पर गुजर रहे ऐसे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों पर निगाह रख रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं बांधा हुआ है। ग्रुप के सदस्य बिना मास्क लगाए लोगों को रोककर उन्हें अपनी ओर से मास्क देते हैं और उनकी कोरोना से बचाव के प्रति बरती गई लापरवाही पर गुलाब का फूल देकर सम्मान करते हैं। अपना नगर निगम ग्रुप की इस पहल का सभी ने स्वागत किया है। इस ग्रुप में शहर के सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ नेता, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी जुड़े हैं और ग्रुप की इस पहल में सभी सड़क पर कोरोना से बचाव के लिए उतरे हैं। मध्य प्रदेश में संभवतः रतलाम में ही ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव ग्रुप के सभी लोग एक साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। ग्रुप एडमिन सीमा टाक ने बताया कि लॉकडाउन को अनडाउन कर राहत क्या दी गई, कोरोना के धमाके भी होना शुरू हो गए। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से प्रशासन हड़बड़ा गया। वहीं नागरिकों के सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, हाथ धोना जैसे बचाव के साधनों की पोल भी खुलने लगी है। लॉकडाउन जब पूरे शबाब पर था तब अप्रैल मई के महीने में जो आंकड़े नहीं थे ऐसे आंकड़े जून के पहले हफ्ते में सामने आकर हर एक को अचरज में डाल दिया है। इस कोरोना के कहर से मासूम बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई नहीं बच सका। अब तो शहर के एक चिकित्सक भी कोरोना के शिकार हो गए हैं। रविवार की देर रात मेडिकल कॉलेज आई रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव 8 मरीज होने से यह संख्या 61 पर पहुंच गई है। एक्टिव पॉजिटिव मरीज 25 हो गए हैं। रविवार रात आई रिपोर्ट में से 31 सैंपलों में से 8 पॉजिटिव होने पर हड़कंप मच गया, जिसमें एक डॉक्टर के भी होने से नवजात शिशुओं पर खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट में पूर्व में लोहार रोड के पॉजिटिव रहे मरीज के कांटेक्ट में रही एक 11 साल की बालिका भी है। नयापुरा के पॉजिटिव रहे मरीज के कांटेक्ट में रहे 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। ये मरीज 18 से 48 साल की उम्र के हैं, जिन्हें पहले ही क्वारंटाइन कर लिया गया था। 37 वर्षीय डॉक्टर, जो कि गेटवेल निवासी हैं और शिशु गहन चिकित्सा इकाई के प्रभारी भी हैं, की रिपोर्ट भी पॉजिटिव होने से नवजात शिशुओं सहित स्टाफ पर संदेह की सुई टिक गई है। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इन रोगियों का स्वास्थ्य स्थिर है। नए पॉजिटिव मरीज सामने आते ही प्रशासन ने देर रात को नए कंटेनमेंट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन करवाया। सुबह नए कंटेनमेंट क्षेत्र गेटवेल के रास्ते बंद किए गए। नए बने कंटेनमेंट एरिया नयापुरा, हार्ट रोड, लोअर रोड को भी नियमानुसार सील किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष जगदीश देवड़ा को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग कांग्रेस नेता पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने की है। श्री सकलेचा ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि जगदीश देवड़ा को भाजपा ने सुवासरा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है, इसलिए अब वो इस पद पर नहीं बने रह सकते हैं। 5 जून को होने वाले 24 उपचुनाव के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है। उसमें सुवासरा के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री जगदीश जी देवड़ा को प्रभारी बनाया है। देवड़ा जी 19 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्हें बंगला आवंटित किया गया। वे कार्यालय में बैठकर अध्यक्ष की हैसियत से सारी फाइलों पर साइन कर रहे हैं। उन्हें स्टाफ उपलब्ध है। वे अध्यक्ष का वेतन ले रहे हैं और प्रोटोकॉल के तहत सारी सुविधा ले रहे हैं। अध्यक्ष एक संवैधानिक पद होता है जो किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं होता और किसी भी पार्टी का कार्य नहीं कर सकता। ऐसे में उनका भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सुवासरा का चुनाव प्रभारी होना ये
संविधान का उल्लंघन है। हमने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा है कि श्री देवड़ा जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने पर कार्रवाई करें, उन्हें अध्यक्ष के पद से मुक्त करें तथा उनकी विधानसभा की सदस्यता निलंबित करने के लिए अनुशंसा करें। करीब 77 दिन बाद सोमवार से आस्था स्थलों के पट फिर खुल गए हैं। मंदिरों के पट खुलते ही तड़के सुबह से भक्त प्रभु के शरण में पहुंच गए हैं। शासन के बाद स्थानीय प्रशासन के आदेश के बाद कलेक्टर ने सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन की शर्तों के मुताबिक अनुमति दी है। देर शाम अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के आदेश जारी होने के बाद सोमवार सुबह आस्था हृदय स्थल माँ कालिका माता का दरबार खुलते ही हवा के साथ धर्म ध्वजा लहराने लगी। सुबह से भक्त मंदिर पहुंचने लगे, जहां माता रानी की पूजा कर आशीर्वाद लिया गया। प्रशासन की शर्तों के मुताबिक मंदिर प्रांगण में सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लगाई गई है, जिससे भक्त हाथ धो रहे हैं। मंदिर में भीड़ को देखते हुए गोले एवं लाइनिंग भी की है। प्रशासन ने मंदिरों में प्रसादी वितरण की अनुमति नहीं दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। कालिका माता में पहले ही दिन सैकड़ों लोगों ने माता के दरबार में मत्था टेका। मंदिर के पुजारी ने एन टाइम्स को बताया, आज कितने दिन में मंदिर खुले हैं? मंदिर सुबह 5 बजे। कितने दिन में खुला? 22 तारीख से लॉकडाउन था। 17 दिन। आज सुबह से कितने श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं? आज तक कभी मंदिर बंद हुआ है? नहीं, ग्रहण के टाइम बंद होता। कितने सालों में ऐसा लगा कि आज मंदिर खुले? अब कितने सालों से तो महामारी के कारण पहली बार यही ऐसी महामारी का इस कारण मंगल करना है। मंदिरों को शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक 8/6/2020 से खोलने का निर्देश थे। उसमें मंदिर के मुख्य गेट पे सैनिटाइजर मशीन और जो फ्लेक्स है वो लगाए गए हैं कि मतलब जो भी दर्शनार्थी आए वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दर्शन करें, और जो भी मतलब हार फूल वगैरह हैं ये यहाँ पे मतलब अभी नहीं चढ़ाएं, और जो भी राशि है वो दान पात्र में डालें और सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन करें। सर, ये जो आपने फ्लेक्स लगाए इन पर क्या निर्देश लिखे हुए हैं? इन पर शासन के निर्देश है कि मतलब एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और मास्क वगैरह जो मशीन लगी है अपनी सैनिटाइज मशीन, उससे अपने हाथ साफ धोए और अंदर बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा मंदिर में। इसी तरह मस्जिद और गुरुद्वारों और चर्च में भी लगाए जाएंगे? जी जी, सभी जगह ये व्यवस्था की जा रही है, सारी जगह, सारे मंदिरों पे और सारे गुरुद्वारे जो शासकीय उन पे सभी जगह किए जा रहे हैं। इधर शास्त्री नगर स्थित साईं मंदिर का दरबार भी खुल गया है। सुबह बाबा के मंदिर में भक्त पहुंचे और आशीर्वाद लिया। लॉकडाउन के कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होने जा रही है। परीक्षा के लिए जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 12वीं के बच्चे 2 प्रश्न पत्र 2 पारी में लिए जाएंगे। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज के साथ साथ परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। परीक्षा में 13,000 विद्यार्थी शरीक होंगे। अन्य जिले के 201 विद्यार्थी भी रतलाम जिले में परीक्षा देंगे। प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों की अलग से वाहन व्यवस्था की है। प्रवेश पत्र ही इन विद्यार्थियों का ई पास होगा। जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने एन टाइम्स को बताया। सर, जो कंटेनमेंट क्षेत्र एरिया में जो बच्चे फंसे हुए सर, उनके लिए क्या कैसे परीक्षा दे रही है? जो कंटेनमेंट एरिया के जो बच्चे हैं, लगभग हमको 10 बच्चे रतलाम में मिले हैं, 2 बच्चे हमारे जावरा में हैं। उन बच्चों की हमने सूची तैयार कर ली है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं और प्रश्न पत्र वार उनको कहाँ जाना है, कौन से परीक्षा केंद्र पर, किस कंटेनमेंट एरिया के बच्चे को कौन से परीक्षा केंद्र पर जाना है, ये पूरी जानकारी हमने इकट्ठे कर ली है। और उसके लिए हमने नोडल अधिकारी भी जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी रतलाम और जावरा को नियुक्त कर दिया है। वे संबंधित बच्चों को लेने के लिए जाएंगे वहाँ से परीक्षा केंद्र तक, और परीक्षा केंद्र से पुनः कंटेनमेंट एरिया तक उनको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। सर, कितने सारे टीचर रहेंगे उनके अंदर? स्कूलों के अंदर सर परीक्षा में जो है टीचर्स की संख्या तो हर केंद्र की अपनी अलग अलग व्यवस्था के अनुसार है, लेकिन निश्चित रूप से जो मार्च में जो परीक्षा हुई थी कोविड-19 की पूर्व परिस्थिति में, उसकी तुलना में लगभग जो है 20-25% टीचर्स अधिक हुए।
सर स्कूलों में सैनिटाइजर वगैरह कराया गया है? हाँ, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर ली गई है, थर्मोस्टेट की व्यवस्था कर ली गई, उसकी रिपोर्ट सभी केंद्रों से आ चुकी है और साथ में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को जो है कलेक्टर और सी ओ के द्वारा भी निर्देश दिया जा चुका है कि वो सभी केंद्रों को सैनिटाइज करें और बल्कि केवल एक ही बार नहीं, हर दिन उसको सैनिटाइज करना है परीक्षा के। शहर में धानमंडी, शक्तिनगर, टाटा नगर, काजू नगर, राजस्व कॉलोनी, लोहार रोड सहित अन्य कंटेनमेंट एरिया के विद्यार्थी भी हैं जिन्हें परीक्षा देनी है। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में हर कोई कुछ नया कर सुर्खियों में आ रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेवक अंजू सूर्यवंशी ने इस लॉकडाउन में अपना जन्मदिन भी अलग अंदाज में मनाते हुए विश्व में चल रहे कोरोना महामारी से बचाव का संदेश लोगों तक एक नए तरीके से पहुंचाया है। अंजू सूर्यवंशी ने कोरोना बचाव के लिए गैस से भरे 101 गुब्बारों को आसमान में छोड़ा। इन गुब्बारों के साथ एक एक चिट्ठी लिखकर बांधी गई। इस चिट्ठी में कोरोना से बचाव के उपाय लिखे गए, कोरोना से जागरूकता के लिए स्लोगन और फीडबैक देने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं। अंजू ने आसमान के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का यह नया तरीका अपनाया है। अंजू के इस तरह से कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने के इस प्रयास को लोगों ने सराहा है। पास एक संदेश पहुंचाया है गुब्बारों के माध्यम से, तो अब हम इन छुट्टियों को आसमान में उड़ाएंगे। ये किसी को भी मिलेगी, इसके पीछे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखे हैं ताकि वो हमें कॉन्टेक्ट भी कर सके। तो अब हमें उड़ाने वाले हैं गुब्बारे के, जिससे हमें पता चले कि ये किसके पास जाएगी।